कभी भी हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, अगर मुझे कोई भी करेक्टर को एनिमेट करना है तो उसके लिए क्या हमें उसे बेसिक्स को समझना पड़ता है। बेसिक्स को समझने के लिए क्या है कि आप उन चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो रियल लाइफ के लिए, रियल चीज़ को ऑब्जर्व करोगे और थोड़ा सा एनिमेटेड जैसे कार्टूनी चीज़ों को देखने के लिए आप थोड़ा सा उसके रिलेटेड चीज़ों को नोट करोगे, ठीक है। तो अगर कोई एक अच्छा एनिमेटर बनता है या बनना चाहता है तो उसको लाइक आपको एनिमेशन सर्वाइवल किट आपको पता होना चाहिए क्या कि एक एनिमेटर कैसा हो, लाइक किस टाइप से काम कर सकता है और उसे किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना है, चीज़ों को देखने का, चीज़ों को प्रेजेंटेशन कैसी है, ठीक है, अभी चीज़ों के साथ मैनेज कैसे करना है। अभी जिन लोगों ने एनिमेट किया, एनिमेट में भी कुछ इस टाइप से एनिमेशन के पार्ट थे कि भाई जॉइंट्स कहाँ पे हैं, ठीक है, कि शोल्डर कहाँ है, ठीक है, रिस्ट कहाँ है, ठीक है, एल्बो कहाँ है, ये चीज़ आपको थोड़ा आइडिया मिलना चाहिए। ये सब चीज़ रिगिंग का पार्ट भी आएगा कि भाई आपको सारा पार्ट कैसे आपको ऐड ऑन करना है। उसके बाद आपको क्या एनिमेशन में अगर देखें तो मैं एक चीज़ को एनिमेट कर रहा हूँ तो एनिमेट करने के लिए चीज़ों को किस वे में दिखाना है, ठीक है, एक उस वे के बारे में आप खुद भी कल्पना कर सकते हो, खुद भी सोच सकते हो कि भाई ठीक है कि वो देखने में कैसा ड्रामेटिक लगे, थोड़ा सा लाइक एंटरटेनमेंट भी लगे कि भाई एंटरटेन करें एक दूसरे को, किस टाइप से थोड़ा सा लुक एंड फील दें, ठीक है। लुक एंड फील में क्या है, अपने करेक्टर का भी पार्ट आता है कि करेक्टर का लुक एंड फील किस टाइप से होता है, वो भी एक आपका पार्ट अपील में आता है क्या कि आप अपील में दिखाओगे किस टाइप से काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को लाइक स्ट्रेस में दिखाएं, ठीक है, किस टाइप की चीज़ों को हम लोग मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कुछ इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसे देखोगे तो उसको किस टाइप से दिखाया जा सकता है, किस टाइप से चीज़ें हैं, कैमरा शॉट भी दिया है, किस टाइप से आपको काम करना है, किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है, करेक्टर का एनिमेशन किस टाइप से आप करने वाले हो, ठीक है। ये तो सिंपल सा पार्ट है, जब आप जब एक करेक्टर की वॉक बनाओगे तो वॉक बनाने के लिए आपको पूरा उसका स्टेप पता होना चाहिए कि ठीक है उसका स्टेप कैसे जा रहा है, फर्स्ट कहाँ है, सेकंड कहाँ है, ठीक है, किस टाइप से उसका पार्ट देखें यहाँ पे, कॉन्टैक्ट कौन सा पोज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे चीज़ें कैसे दिखे, यहाँ पे एक करेक्टर है देखो यहाँ पे सिमिलर धीमे धीमे। अभी इसमें क्या होता है कि इसके अंदर भी आप कुछ पोजेस पे काम करोगे, कुछ होते हैं की पोज बनाओगे तो आपका बीच वाला पार्ट अपने आप ऐड ऑन हो जाता है, या बीच वाले पार्ट पे भी हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर आपको 9th फ्रेम तक यहाँ पे अगर देखोगे धीमे धीमे, पाँव यहाँ पे है, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ये पाँव क्या, ये पाँव पीछे वाला पार्ट उठाए, अगर मैं सिर्फ लेग पे फोकस करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये इतना उठा, ये ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसका इसका स्टेप देखो, फिर इसका स्टेप देखो, फिर कैसे जा रहा है, तो उसके फुट स्टेप को देखोगे ना आपको यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिलेगा कि वो उसका भाई वॉक करने का तरीका क्या है, किस टाइप से काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में आना चाहिए कि आप अगर कोई भी वॉक बना तो वॉक बनाने में ये स्टेप ऐसे ऐसे लेके जाओगे तो आपका जो कैरेक्टर का एनिमेशन है वो बेटर होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन सब चीज़ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि वॉक के लिए कैसे करना है आपको, ठीक है, स्टेप्स कैसे हैं, उन स्टेप्स के साथ आप कैसे क्या काम करने वाले, कितने फ्रेम पे, फ्रेम वाइज ये चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी है, अगर लाइक ऐसे स्टार्टिंग में किसी को आइडिया नहीं है तो फ्रेम वाइज फ्रेम भी डील करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे अगर करेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टेक्ट में, ठीक है, कैसे स्प्रेड हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों को भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा भाई किस टाइप से हम चीज़ों को दिखा सकते हैं यहाँ पे। एक्सप्रेशन है, ठीक है, आप अगर कोई भी चीज़ बोलोगे, ठीक है, तो उसमें क्या आपका फिर आपका भी आएगा कि जैसे वॉवल होता है ना, AEIOU, इस टाइप से इसके पूरे वर्ड्स होते हैं कि भाई हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलने के साथ हमारा माउथ कैसे खुलेगा, ठीक है। उसके साथ ऐसे यहाँ पे देख रहे ना, हाउ ओ पे कैसा आ रहा है, ठीक है, आ पे, आर पे, वाई पे, कैसे कैसे आपका एक्सप्रेशन बन रहा है क्या, तो ये सब चीज़ भी आपको थोड़ा सा फोकस में करना पड़ेगा। ये इस टाइप की चीज़ें मैंने शायद एनिमेट में भी मैंने कुछ चीज़ों को डाल के दिखा रखा है। देखो अब 2D में भी क्या होता है, 2D में भी आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, कुछ 2D में अलग देगा, कुछ यहाँ पे कुछ अलग आएगा क्या आपके यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर माया एनिमेशन की बात करते हैं, माया एनिमेशन के साथ भी है यहाँ पे, और यहाँ पे शायद मैंने एनिमेट के अंदर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो एनिमेट में कुछ इसके कुछ चार्ट भी होते हैं क्या यहाँ पे, अगर एक्सप्रेशन वाइज हम लोग यहाँ पे काम करें तो वो पूरा एक्सप्रेशन 2D में, जिसको 2D का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो 3D में भी अच्छा काम कर पाता है, ठीक है। मेन क्या है, जैसे यहाँ पे लिपसिंग में काम किया था, लिपसिंग में किस टाइप से काम कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, और चीज़ों को मैं अगर कोई चीज़ दिखाऊँ कि भाई मुझे कोई शेप्स अगर बनाने हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको एक इमेज दिखाता हूँ, जैसे ये देखो लिपसिंग का माउथ के जो पोजिशन है वो किस टाइप से है, ए में कैसा है, ओ में कैसा है, ई में कैसा है, WR, TS, LN, ये ऐसे कुछ पार्ट होते हैं जो बेसिक्स में हमें
हम लोग एनिमेट में पढ़ते हैं क्या, इसी का जो एडवांस पार्ट होगा वो हम लोग यहाँ देखेंगे, वो 2D है यहाँ पे, उसका और थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा यहाँ पे कि कैसे आप क्या क्या काम कर रहे हो, किस टाइप से चीज़ों का आप दिखा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इसी में अगर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास एक कैरेक्टर है, चाहे आपका एनिमल है तो एनिमल का लाइक आपका किस टाइप से लुक एंड फील दिखा रहा है यहाँ पे, कैसे चीज़ें हैं, किस पोजेज में है, ठीक है, वन बाय वन करके कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, किस टाइप से चीज़ों को दिखाना है, तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी क्या। तो व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये PDF आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, दिख रहा है यहाँ पे, अगर कोई एनिमल अगर मान लो जंप कर रहा है, भाग रहा है, तो कैसे जा रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको किसी भी एनिमल का अगर आपको वॉक रन कुछ बनाना है, तो आपको उसके फुट के बारे में, उसके मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा कि भाई पहले में कैसे जा रहा है, उसके बाद कैसे जा रहा है। इसको देख के आप आराम से कोई भी एक एनिमेशन आराम से बना सकते हो, ये मतलब इतनी बारीकी से स्टडी करके वो सब चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन की गई हैं। तो एक एनिमेटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन चीज़ को देखो थोड़ा समझो, ठीक है। काफ़ी चीज़ें इसमें रखा है, जैसे मान लो कि कोई एनिमल है, कोई ग्लैरी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, डॉग का भी है, ठीक है, किस टाइप से पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये जब तक आपके माइंड में नहीं होगा, मेन चीज़ क्या है, या तो आप वीडियो शूट करो किसी का, उसको ऑब्जर्व करो, या फिर आप ऐसे देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब कि जो आप वीडियो शूट करोगे, आपका जो स्टेप होगा आप ऑब्जर्व करोगे, एक उसमें आपको अलग पता चलेगा और यहाँ पे आपको अलग पता चलेगा। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक बार इसको देखना है कि भाई मेरे पास चीज़ें हैं तो देखो कैसे यहाँ पे, किस टाइप से देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में कैसे आ रहा है, किस टाइप से फुट स्टेप दिख रहा है यहाँ पे, कितना लाइक स्ट्रेची टाइप से है, किस टाइप से वॉक है, ठीक है। एक बेसिक फंडा अगर आपको क्लियर हुआ तो आप उसके बाद कोई भी करेक्टर, किसी भी लाइक चाहे हॉर्स हो, एनिमल हो, कोई भी, आप उसको देख सकते हो भाई कैसे कैसे स्टेप दिखाना है हमें, हॉर्स का वॉक है तो हॉर्स का वॉक कैसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट है, पासपोज है, ठीक है, कॉन्टैक्ट में किस टाइप से जा रहा है आपके यहाँ पे, कहाँ अप हो रहा है, कहाँ डाउन हो रहा है। जब हम लोग चलते हैं तो हमारे चलने पर भी एक जगह पर अप होते हैं, एक जगह पर डाउन होते हैं क्या, तो वो कर हमें ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पे देखो, इसको बहुत अच्छे से बहुत ईजी वे में समझा रखा है, यहाँ देखो डाउन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ अप हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम लोग एनिमेट करने वाले तो किस किस चीज़ पर फोकस करना है, फुट के साथ साथ हेड भी है, हेड के साथ साथ आपके पास और भी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। टेल वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे देखना है, टेल वाला पार्ट कैसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ देखो यहाँ पे। बेसिक्स आपको थोड़ा सा एक बार देखना है, ड्रॉ करना स्टार्ट करो। एक एनिमेटर को बेसिक ड्रॉ करने की भी नॉलेज होनी चाहिए, सही दिख रहा है यहाँ पे। आप ऐसे भी ड्रॉ करोगे तो भी आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई मेरा जो हॉर्स वो कैसे चल रहा है, और उसको फुट पता होना चाहिए भाई, पाँव कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, तभी वो एक करेक्टर को, ऑब्जेक्ट को या फिर एनिमल को एनिमेट कर सकता है। बर्ड है तो बर्ड का एनिमेशन देखो कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी यही चीज़ हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हमने एक बर्ड को एनिमेट किया और FX में जाकर उसको अलग वे में दिखा सकते हैं कि भाई मल्टीपल वर्ड्स हमने दिखा दिए हैं, कितने सारी चीज़ें, ये देखो यहाँ पे कहाँ पे विंग्स ऊपर हैं, कहाँ नीचे जा रहे हैं, फिर किस टाइप से शेप्स हैं यहाँ पे, ये इस टाइप से दिखाया गया ताकि आपको समझने में आसानी होगी। आप अगर कोई भी अगर एनिमेट करने जा रहे हो बर्ड को, तो आपको इन पोजेस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में होता है ना, सर हम लोग करें क्या, हमें माइंड में नहीं है कि बर्ड का एनिमेशन होता क्या है, अब बर्ड कहाँ से पकड़ें, बर्ड को पकड़े कहाँ से, रिकॉर्ड कहाँ से करें, नहीं है वो चीज़ आती है। लेकिन क्या उन सब चीज़ों के लिए एक बेसिक्स पार्ट आपके यहाँ पर देखेगा कि एनिमेशन सर्वाइवल किट में ये काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं कि भाई ये करेक्टर अगर तैर रहा है तो कैसे तैर रहा है, ठीक है, किस टाइप से पार्ट है यहाँ पे, ओके, इस टाइप से अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मैं यहाँ पे किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो स्टेप बाई स्टेप सब चीज़ दिखा रखे हैं यहाँ पे, कैरेक्टर है, करेक्टर किस टाइप से लाइक एक्ट कर रहा है। तो एक मतलब कि एज ए स्टार्टिंग एक लाइक करेक्टर को चलने के लिए, वॉक करने के लिए, रन करने के लिए काफ़ी चीज़ इसमें दे रखा है क्या। एक मान लो फीमेल करेक्टर के बेसिक शेप्स को कैसे ड्रॉ करके दिखाएं, किस टाइप से दिखाना है, की पोजेस कैसे हैं, ठीक है, लाइक कैरेक्टर का अपील कैसा है, लुक एंड फील कैसे दे रखा है, वो सब चीज़ भी आपको यहाँ पे मैनेज कर रखा है भाई किस टाइप से चीज़ को रिप्रेजेंट करें, एक कैरेक्टर वॉक में या फीमेल वॉक में किस टाइप से चीज़ को रखा जाए, ठीक है। तो ये चीज़ भी लाइक माइंड में रहेगा कि हाँ करेक्टर चल रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, इसलिए स्टार्टिंग में सारे करेक्टर आपको दिखाए हैं, पोजेज हैं, सोच रहा है, ठीक है, लाइक किस टाइप से सोच रहा है, क्या लाइक ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाले का हाँ वो सोच रहा है। तो एक एनिमेटर का काम ये होता है कि अपने कैरेक्टर में जान डालेगा,
रो रहा है या कैसे कुछ दिखा रहा है, ठीक है, कैसे एक आर्क में दिखा है यहाँ पे किस टाइप से चीज़ जा रही है, यहाँ पे सारे एनिमेशंस आपके यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है वो सब चीज़ में जुड़ेंगे क्या, इसके बारे में जानो, ठीक है भाई एनिमेशन क्या है, आपका फर्स्ट एनिमेशन मूवी कौन सी है, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, ठीक है, कौन लोग हैं, वॉल्ट डिज्नी क्या है, वॉल्ट डिज्नी के अंदर लाइक क्या ऐसी चीज़ें बताई हैं, एनिमेटर्स किन किन चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ तो और आपको देखना है पढ़ना है, ठीक है। लाइव एक्शन हम लोग कैसे लाइक शूट करेंगे उसको, लाइव एक्शन चीज़ों को लाइक कैसे हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो कार्टूनी का और लाइव एक्शन में दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा आपका, यहाँ पे रियल चीज़ों का लाइक आपको मैनेज करने में तो टाइम भी लगेगा लेकिन वो चीज़ थोड़ा सा अलग भी होंगी, क्या कार्टूनिंग में हम लोग 12 प्रिंसिपल्स ऐड ऑन कर लेते हैं तो चीज़ और बेटर हो जाती है, क्या तो इन चीज़ों को तो आपको देखो यहाँ पे किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी होता है क्या लाइव ड्राइंग फॉर एनिमेटर्स या एनिमेटर जो यूज़ करते हैं, अगर मैं कहूँ आप अगर बाहर निकलते हो ना किसी भी, जैसे अभी यहाँ पे तो ये आपका इंडिया का इंस्टीट्यूट है लेकिन आप बाहर निकलते हो तो वहाँ पे क्या लाइव स्केच भी होता है क्या, स्केचिंग का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, लाइव स्केच लाइव सब कुछ, और अभी यहाँ पे BFA MFA में भी जाओगे तो वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि आपके सामने चीज़ें रखी हूँ आपको लाइव स्केच करना है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो सारे पार्ट्स हैं यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को तो आपको देखना पड़ेगा भाई क्लॉथ है क्लॉथ किस टाइप से लाइक यूज़ करें, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं काफ़ी चीज़ें आपको मैंने बताया कि भाई एनिमेशन सर्वाइवल किट में क्या क्या चीज़ें, तो आपको यहाँ पे देखना है कि ठीक है रिचर्ड विलियम ने क्या चीज़ इसमें सर्वाइवल किट में डाल रखा है जिससे हम चीज़ों को देख सकें यहाँ पे, सारी चीज़ें काफ़ी तक आपने देखा है कि इसमें चीज़ें मिलेंगी, तो थोड़ा सा इसे स्टडी करो देखो और निकालो।